का दिन नगर आयुक्त आइए उनसे जानते हैं नगर निगम द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई है, कितनी गाड़ी द्वारा सैनिटाइजर किया जा रहा है। देखिए जो हॉटस्पॉट और क्वारंटाइन प्लेसेस हैं उन जगहों पर हम सैनिटाइजेशन सीएमओ साहब की जो टीम है डॉक्टरों की उसके साथ नगर निगम की जो टीम है तीन टीमें ऐसी बना करके हम उनको दो बार दिन में एक बार सुबह और एक बार फिर शाम को सैनिटाइजेशन का काम लगातार कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी फॉगिंग की टीम है एंटी लार्वा की टीम है वो क्लस्टर बना करके 10 वार्ड सुबह और 10 वार्ड शाम को यानी कि रोज 20 वार्ड 5 दिन में पूरे 100 वार्ड तक हमारी रीच है और फिर वही साइकिल दोबारा से 5 दिन बाद फिर रिपीट होती है। तो एंटी लार्वा और फॉगिंग की साइकिल हमने बना दी है और सैनिटाइजेशन की अलग हमारी जो क्वारंटाइन प्लेसेज हैं हॉट स्पॉट्स हैं उनकी अलग रणनीति बनी है, सफाई की अलग टीम है और सफाई की जो टीम है उसको हमने बायोमेडिकल वेस्ट के लिए एक पीला थैला भी दिया है जिसमें वो मास्क है ग्लव्स है या जो इस तरह के हजार्डस वेस्ट है उसको वो उस किट में ले रहा है हमारा आदमी। 150 गाड़ियाँ लगनी है जो डोर टू डोर गार्बेज को कलेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी जो नाला क्लीनिंग है वो नाला क्लीनिंग की गैंग्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक साथ 10 वार्डों में काम कर रही है और ये मई तक हमको इसको पूरा करना नाला क्लीनिंग मानसून से पहले। तो इसमें अलग से कोई कर्मचारी नहीं है, नगर निगम से ही हम अपना एक गैंग बना करके स्पेशल गैंग। दूध और सब्जी को लेकर आज बैठक की गई जिला प्रशासन द्वारा, क्या निर्णय लिया गया है, जनता को लाभ होगा? देखिए अभी क्या है कि सब्जी और दूध के थ्रू भी कंटेमिनेशन और इसका जो कम्युनिकेशन है डिजीज का बहुत तेजी से हो सकता है, इसलिए इसको बहुत फ्रीली इस सुविधा को देने के लिए हम लोग थोड़ा सा सख्ती इसमें कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये चीज़ें पब्लिक को अच्छे से मुहैया हो इस पर भी हम लोग प्लान बना करके काम करने जा रहे हैं। दूध का आपने देखा कि जो परसों स्थिति थी अब आज नहीं, दूध का व्यवस्था पूरा हो गया, उसके 6 सेंटर्स बना दिए गए और किसी को भी दूध की कोई शॉर्टेज नहीं है। आज 3 लाख से ऊपर लीटर दूध शहर में पहुँचा है, पूरा उसका डिटेल हमारे कंट्रोल सेंटर में है। उसके अलावा जो सब्जी और फल को लेकर के बात है वो बाहर से कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ लोकल जो किसान हैं वो ले आते हैं मंडी में और सिकंदरा मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही थी और पल्लेदार में भी इसका संक्रमण पाया, उसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट करते हुए फल और सब्जी की आवक उतनी ही ली जाए जितना आगरा शहर के लिए ज़रूरी है और इसको सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था बनाई गई है। कल से 6 मंडी हमारी जो शहर के विभिन्न कोनों पर हैं उन मंडियों में पूरी तरह से फल और सब्जी की अराइवल कराया जाएगा और जो हॉटस्पॉट है क्वारंटाइन प्लेसेज है वहाँ पे होम डिलीवरी कराई जाएगी और रेस्ट जगहों पर जो है वो ठेले के माध्यम से वितरण जैसे पहले हो रहा था वैसे कराया जाए। ध्यान ये रखना है पब्लिक को कि कोई भी कॉन्टैक्ट सीधे ना करें, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो और जो कॉन्टैक्ट में आ भी जाए तो तुरंत सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये अपील है हमारी जनता से क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है और ये कॉन्टैक्ट से फैल रही है, इसको हमको रोकना है। इसको रोकने के लिए सब्जी एक तरह जरूरी है तो उस तरह से जान भी जरूरी है, तो हमें उन दोनों चीज़ों के बीच का एक रास्ता जो कि सेफ हो सुरक्षित हो उसको अपनाना। अभी कितने हॉटस्पॉट केंद्र बनाए गए हैं आगरा में? आगरा में आज की डेट में कुल 75 हॉटस्पॉट हैं और छोटे छोटे जिनको मैप किया गया है और बाकायदे उसका एक एनालिसिस की जा रही है, जियो मैप है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है और वो सारा कुछ हमारे डैशबोर्ड पर भी है, जो हमारी नगर निगम की वेबसाइट है उस पर भी अपडेट ले सकते हैं आप और उन जगहों का हम हमारे कर्मचारियों को पूरा उनको ट्रेनिंग दिया गया है और वो वहाँ जा कर के। एक लास्ट जनपद वासियों शहरवासियों से आप अपील करें कि घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। मैं अपने आगरा शहर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बार बार जो उनके कांटेक्ट में घर की चीज़ें आ रही हैं जैसे कि रिमोट कंट्रोल, डोर का हैंडल, मोबाइल फोन, टॉयलेट और किचन के जो सामान हैं उनको
सैनिटाइज करते रहें, दिन में कम से कम दो बार कपड़ा भिगो लें, उसको बहुत आसानी से सैनिटाइजर के माध्यम से सैनिटाइज करते रहें और कोई पैनिक क्रिएट ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने घर के अंदर रहें, निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलेगी।